Marvelous. This is a single word that comes out of mouth when we see the beautiful flowers of Aparajita. Yes, ये अपराजिता ही है जिसका फ्लावर हमें इतना ब्लू कलर का इतना सुंदर दिखाई दे रहा है. Hey guys, welcome to VK Science and आप देख रहे हैं आज के एपिसोड में एक अच्छा सा फूल अपराजिता. ये अपराजिता हर उस जगह पर ग्रो हो सकता है जहाँ भी नमी हो, थोड़ा क्लाइमेटिक कंडीशंस अच्छा हो, तो वो वहाँ पर ग्रो कर सकता है. इसको थोड़ा पानी मिलने से, खासकर ये बरसात के दिनों में और ज़्यादा ग्रो करते हैं इसके सीड्स. और ये एक पेरेनियल वाइन्स की तरह होते हैं और लगभग सभी सीजन्स में ये ज़्यादा फ्लावरिंग करते हैं. हम इस फूल के बारे में देख रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें ब्लू कलर का जो पेटल्स है वो इस तरह का आपको दिखाई दे रहा है और नीचे के पार्ट में आपका थोड़ा येलोइस वाइट कलर का नीचे वाला पार्ट होता है. इसमें जो पॉड्स वगैरह होते हैं और इसमें पॉड्स के अंदर जैसे मटर होता है उसी तरह से इसमें भी सीड होते हैं. और इसका नाम जो है साइंटिफिक नेम क्लिटोरिया टर्नेटी है और इसको कैरोलस लिनियस के द्वारा नामकरण किया गया था. इसके पीछे भी एक बहुत ही रोचक कहानी है कि जो क्लिटोरिया है वो फीमेल जेनिटेलिया यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को इंडिकेट करता है, क्योंकि इसका जो आप फ्लावर देखेंगे ध्यान से तो फ्लावर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरह दिखाई देता है. और जो इसका स्पीसीज़ का नाम है टर्नेट, वो एक आर्चिपेलागो है जो कि इंडोनेशिया में मिलता है, उसी के नाम पर क्लिटोरिया टर्नेटी इसका नाम पड़ा है. इसे इंग्लिश में एशियन पिजियन विंग्स, ब्लू बेल वाइन, ब्लू पी, बटरफ्लाई पी, कार्डोफोन पी या सर चार्ल्स डार्विन के नाम पर डार्विन पी भी कहा जाता है. दिस ब्यूटिफुल फ्लावर बिलोंग्स टू एंजियोस्पर्म डिवीजन ऑफ प्लांट फैमिली प्लांट किंगडम एंड द फैमिली इज ऑफ फैबिकेशी दैट इज पल्सेस फैमिली, जो दाल वाली फैमिली है उसका ये मेंबर है. यह होली फ्लावर में एक तरह से होली फ्लावर है जो पूजा रिचुअल्स वगैरह में भी यूज़ होता है. और इंडिया में इसका जो आगमन हुआ वो बेसिकली 17th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस हुआ था. ये माना जाता है कि एशिया और साउथ अमेरिका से ओरिजिनेट हुआ लेकिन पूरे वर्ल्ड में धीरे धीरे फैल गया. टर्नेटी के अलावा इसके दो कॉमन स्पीसीज़ हैं, स्पर्ड बटरफ्लाई पी और अटलांटिक पिजियन विंग्स. जो कुलिनरी यूजेस हैं, खाने पीने में इसका जो यूज़ है वह हर्बल टी के रूप में ज़्यादा यूज़ होता है. मैं भी उसका कभी कभी यूज़ करता हूँ और यह काफ़ी रिच इन ऑक्सीडेंट्स होते हैं जिससे कि एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाते हैं. जो थाई फूड है, बर्मीज फूड है, यूरेशियन फूड है, इन कंट्रीज़ में कुछ ऐसे डिशेस बनाए जाते हैं जिसमें कलर जो ब्लू कलर का जो दिया जाता है ऐड किया जाता है इसके पेटल से निकाल के किया जाता है. और इसके जो एंथोसैनिन पिगमेंट्स होते हैं काफ़ी अच्छे होते हैं. मैं आपको एक्टिविटी करके वो दिखाऊंगा इस एक्टिविटी में जब हम लोग पीएच टेस्ट करेंगे साइंस के पॉइंट्स ऑफ व्यू से. तो ये इसका बहुत ही काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है. ये आयुर्वेद और चाइनीज़ मेडिसिंस में एक अच्छा उपयोगी साबित होता है क्योंकि यह स्किन को इम्प्रूव करता है, उसके हेल्थ को इम्प्रूव करता है. और जो अर्ली प्री मैच्योर या अर्ली जो एज में जो ब्राउन कलर के हेयर्स होने लगते हैं उसको भी ये काफ़ी अच्छा रखता है. इसके अलावा जो कमर्शियल यूज़ में से है, क्योंकि ये नेचुरल डाई है इसलिए बहुत सारे कलर जो फाइबर्स होते हैं कपड़ों में इसका जो रंग देने में काम आता है. हम
इसके ब्यूटीफुल फ्लावर्स को देख पा रहे हैं। जब आप इसके पॉट को देखेंगे तो ये सेम टू सेम वैसे ही दिखेगा जैसे मटर का होता है, और उसको आप ग्रो कर सकते हैं। खासकर ये रेनी सीज़न में और समर सीज़न में इसके फूल काफ़ी दिखाई देते हैं। तो हम लोग एक एक्टिविटी करके ये सीड बेस टेस्ट करेंगे। वेल वेल वेल, दिस इज़ द लाइट शेड ऑफ ब्लू दैट वाज ऑब्टेंड आफ्टर बॉइलिंग ऑफ सम पेटल्स ऑफ अपराजिता फ्लावर। और इसका कलर आप देख रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है। इस कलर में हम लोग अगर थोड़ा सा हनी या आप समझ सकते हैं कि कुछ नमक या चीनी भी डालने से हम लोग इसको पी सकते हैं। और इसका अब हम टेस्ट करेंगे कि इसका पीएच वैल्यू कितना है। तो ये हमारे पास कुछ यूनिवर्सल पीएच इंडिकेटर पेपर्स हैं, और इसमें हम एक डिप करेंगे एक लीफलेट। तो इसका कलर थोड़ा देर रखते हैं हम लोग। ये हल्का गर्म भी है और कुछ खास इसमें चेंजेस नहीं हो रहा है। तो वी कैन सपोज दैट दिस इज़ ऑलमोस्ट न्यूट्रल, दिस इज स्लाइटली वेट बट इट्स ऑलमोस्ट न्यूट्रल। तो इसको हम लोग देखते हैं कि क्या ये चेंजेस लाता है। और सबसे पहले हम लोग इसमें थोड़ा सा बेस डालेंगे, कुछ पिलेट्स हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, तो इसमें एक में डाल के देखते हैं। तो इसका कलर अभी चेंज होने लगा और यह लाइट से थोड़ा ग्रीन होने लगा। इस तरह से आप देख रहे हैं कि इसका कलर थोड़ा ग्रीन हो गया। एक दो ड्रॉप और डालने से क्या होगा, थोड़ा रिएक्शन डीप होगा। तो जितना एंथोसैनिन पिगमेंट्स ज़्यादा होंगे, जितना ज़्यादा वो डीप होगा उतना ही कलर इसका डार्क आएगा। अब सेकंड वाले में हम लोग थोड़ा सा इस तरह से लेमन ले लेते हैं एक कटिंग उसका, और लेमन जूसर से इसमें कुछ ड्रॉपलेट्स इसमें डालते हैं इस जूस में। अब आप देखिए कि इसका कलर कैसा हो गया, ये पिंक कलर का आने लगा इसमें। तो एसिड डालने से ये पिंक कलर का हो गया और बेस डालने से ग्रीन कलर का। तो यही हमारा टेस्ट है कि यह एक नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर है। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वेरी एक्टिविटी एंड फॉर योर सजेशंस एंड इम्प्रूवमेंट वी विल बी होपफुल इफ यू कुड गिव कंस्ट्रक्टिव सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ एनी ऑफ द वीडियोस दैट यू हैव वॉच्ड। एंड प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर दिस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।